श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूज, आज एक बार फिर से स्टूडियो में आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। मैं अक्सर कहता हूं, मैं तब आता हूं जब मुझे लगे कि कोई ऐसी शख्सियत है कि उनका इंटरव्यू मैं स्वयं करूं। तो आज ऐसी ही शख्सियत का साक्षात्कार करने के लिए मैं फिर से आपके सम्मुख स्टूडियो में उपस्थित हूं। हमारे बीच इस समय मिस्टर अशोक, जिनसे आप लगभग एक मास पहले इसी स्टूडियो में एक इंटरव्यू में इनसे मिल चुके हैं, जो कि म्यूजिक के फील्ड में अपना महारत रखते हैं, और आज इन्हीं के सौजन्य से हम गेम्स के क्षेत्र में एक और ऐसी हस्ती को, शख्सियत को हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। और इनकी बातचीत सुन के, इनकी बॉडी को देख के आपको लगेगा कि आज के नौजवानों को इनको फॉलो करना चाहिए, और जीवन में किसी एक स्थान पर पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो भी आप इनकी कहानी से, इनकी जुबानी सुनेंगे। अशोक जी, मेरा मानना है जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि वी सी ए मैन एंड अप्रिशिएट, बट वी डू नॉट नो हाउ मेनी इयर्स ही हैज लॉस्ट फॉर दिस अप्रिशिएशन। विजय जी की कहानी सुन के मुझे भी ये लगा कि शायद आज के नौजवान इनकी बॉडी को देख के, इनके डॉलों को देख के, इनकी स्लिमनेस को देख के ये आह तो भर सकते हैं कि हम भी इनके जैसे होना चाहेंगे। लेकिन इसके पीछे क्या संघर्ष है, कितने वर्षों की मेहनत है, वो हम इनकी जुबानी ही सुनना चाहेंगे। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो भूज के स्टूडियो। थैंक यू विजय जी। इससे पहले कि मैं आपका साक्षात्कार इंटरव्यू आरंभ करूं, मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को, हमारे श्रोताओं को अपना इंट्रोडक्शन स्वयं दें। मैं विजय कुमार, मिस्टर इंडिया और एक जिम ट्रेनर, और थोड़ा बहुत सामाजिक वर्क भी करता हूं, जो कि सबको करना चाहिए। जितना मेरे से बन पाता है, कोई ज़रूरतमंद है या कुछ है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे की या किसी भी चीज़ की, साधनों की कमी है, तो मैंने कोशिश हमेशा ये की है कि वो किसी भी चीज़ की वजह से पीछे ना रह जाए। तो ऐसे कई स्टूडेंट अभी भी हैं मेरे पास जिनके पास या तो पैसे नहीं थे या फिर साधन नहीं था, लेकिन आज वो बहुत एक अच्छे लेवल पे हैं। और मैं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन भी कराते हैं, विजय क्लासिक एक इवेंट होता है, आप लोगों को पता ही है, उसका फाउंडर भी हूँ मैं। और हर साल हम कोशिश करते हैं कि उसमें इनाम अच्छा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात मैं ये सोचता हूँ कि एक एथलीट इतनी मेहनत करता है, उसको हम पैसे से तो कभी उसकी तुलना कर ही नहीं सकते, या पैसे से उसकी मेहनत को हाँक ही नहीं सकते, लेकिन कोशिश ये रहती कि उनको एक अच्छा स्टेज दिया जाए, और एक उनको वो जब खेलें तो उनको ये प्राउड फील हो कि हाँ, हमें एक अच्छा स्टेज मिला है, हमने जो मेहनत की है वो आज हमारी सफल हो गई खेल के। तो ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है एक अच्छा स्टेज देने की। कोशिश ये करते कि इंडोर में कराया जाए, क्योंकि मैक्सिमम गेम विंटर में होते हैं जी, तो उस टाइम। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है कि कॉस्ट्यूम में खड़ा होता है बंदा, और ना चाहते हुए भी हमें स्टेज पे बहुत सारे लोगों का मान सम्मान भी करना होता है, उसमें नेता हो गए, अभिनेता हो गए, और जो भी लोग हैं उनको ना चाहते हुए भी हमें प्लेयरों को खड़े रखना पड़ता है, जो कि हमें खुद ये पता है कि ये अभी ठंड है, ये भूखे हैं, प्यासे हैं, सब है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। और कोशिश ये रहती कि हम जल्दी से जल्दी उसको निपटाएं, लेकिन फिर भी देर कहीं ना कहीं हो जाती है। और रहा कैश प्राइज का या अच्छी ट्रॉफियों का, ये हर बार ये कोशिश रहती है हमारी कि भाई इसको हर साल और अप किया जाए। तो
अभी भी हमारा इवेंट था, विजय क्लासिक ही था अभी फरवरी में, कोविड की वजह से वो डिले हो गया। उसमें करीबन करीबन हम 15 लाख रुपए के आसपास इनाम दे रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि पैसा तो चलो एक अलग चीज है कि कितना दे रहे नहीं दे रहे, लेकिन एक अच्छा स्टेज हर प्लेयर को मिलना चाहिए। देखिए ये जी, जैसे आपकी ये भावना है, इसी भावना को सल्यूट करते हुए मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो रेडियो बूस हमने शुरू किया है, ये इसी भावना से काम कर रहा है कि जिन लोगों को, जिन टैलेंटेड लोगों को कहीं कोई स्टेज नहीं मिलता, हम उनको बुलाते हैं, टैलेंटेड लोगों के इंटरव्यूज करते हैं और उनको मंच प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने कहा कि वो आए अपनी बात रखें। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि जो भी आज हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड सुना जा सकता है। ये सिर्फ फरीदाबाद, गुड़गांव या एनसीआर के एरिया के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सुनाई देगा और जहां जहां भी भारतीय हैं उनको लगेगा कि हमारा ही एक साथी गुड़गांव के रेडियो बूज में बैठ के हमारे सम्मुख अपनी बात। जहां तक आपकी समाज सेवा की बात है कि आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और ये सोच रखते हैं कि कोई पैसे के अभाव से इन सब चीजों से वंचित ना रह जाए, मैं आपकी इस बात को भी सलाम करता हूं और कहता हूं कि तेरे मंदिर में गया ना गया मुझे मालूम नहीं, तेरे मंदिर में गया ना गया मुझे मालूम नहीं, पर तेरे बंदों को तो मैंने चाहा है मगर। तो बात यह है, अगर आप उसके बंदों को प्यार करते हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक बात है और उसके लिए परमात्मा आपको और आगे बढ़ाए, हमारे जैसे लोगों का आशीर्वाद है। और पता नहीं कितने लोग आपको दिल से चाहते होंगे जी और आशीर्वाद देते होंगे। मैं अशोक जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसी शख्सियत को वो हमारे बीच में लाए हैं और हमारे श्रोताओं को आपसे परिचय और आपकी बात सुनने का मौका मिला। हम बात को आगे बढ़ाते हुए विजय जी आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो आपने प्रोफेशन चुना है, ये कोई यूजुअल आम सोच के बच्चे नहीं चुनते, और यहां ये बात तब संभव है कि अगर आपके परिवार में इस तरह की परंपराएं चल रही हो कि आपके फादर साहब या आपके ग्रैंडफादर परिवार का सदस्य या कोई परिवार का सदस्य इस तरफ काम कर रहा हो और आप भी प्रेरित हो गए हो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जितना मैंने आपकी बात को सुन के समझा है, कि आपको परिवार की तरफ से सीधी कोई ऐसी प्रेरणा नहीं है, आप क्यों कर इस प्रोफेशन में आए? बहुत अच्छा है आपने अपने शरीर को भी संभाल रखा है, आप डिसिप्लिन में भी रहते हैं, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस कारण रहे जिनसे प्रेरित होकर आप इस तरफ इस प्रोफेशन में आए। मैंने स्टार्टिंग से ही मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ, स्कूल में गेम में हिस्से लेता था मैं, तो हमेशा ही मेरी रनिंग अच्छी थी जी और लॉन्ग जंप अच्छा था, हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो और मेरे को कबड्डी का बहुत शौक था, तो कबड्डी खेलते थे गाँव में, जैसे हम स्टार्टिंग से हम दिल्ली रहे हैं वैसे तो, बाकी जब गांव में दादा दादी के पास जाते थे तो वहाँ भी अपने खेतों में अपने ट्यूबवेल पे। आपका गांव कौन सा है? सोनीपत। ओके ओके, तो हरियाणा। हाँ जी, तो वहाँ पे जब हम जाते थे तो खेतों में कबड्डी खेलते थे, अपने वर्जिश कर लेते थे, दंड वंड लगा लेते थे, तो थोड़ा बहुत बॉडी ऐसी हो गई थी कि मतलब देखता था तो कोई लगता था कि हाँ थोड़ी बहुत है। तो जो मेरे दोस्त रहे हैं वो जिम जाते थे, मैं जिम नहीं जाता था, तो उन्होंने मेरे को एक दिन बोला कि भाई
चलो जिम, हमारे साथ जिम चला करो। मैंने कहा यार मैं तो घर पे ही कर लेता हूँ। हाँ। नहीं नहीं हमारे साथ जिम चला करो। हाँ। तो मेरे को जिम ले गए। हाँ। तो काफी टाइम से जा रहे थे तो अच्छा खासा वेट लगा लेते थे वो। एक दिन उन्होंने स्क्वैट लगा रहे थे, स्क्वैट उन्होंने 100 kg की स्क्वैट लगाई। हाँ। तो मैंने कहा यार 100 kg तो बहुत होता है। हाँ। मतलब वेट उठाने की बात। हाँ, शोल्डर पे रख के स्क्वैट लगाना। तो मैंने कहा 100 kg तो बहुत ज्यादा वेट होता है। हाँ। नहीं 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 कुछ नहीं होता। हाँ। तो मैंने जब पहले दिन स्क्वैट लगाई। हाँ। तो 10 kg इधर, 10 kg इधर, 20 kg की रोड, 40 kg टोटल। ओके। मैं उसको ऐसे जैसे लहर के नहीं उठते हैं। हाँ। बिल्कुल मैं ऐसे लेके उठा था, बैलेंस नहीं कर पाया। 40 kg वेट को बिल्कुल ऐसे करके उठा था मैं। मैंने कहा यार तुम कैसे मार लेते हो। बोले हो जाएगा कोई नहीं, अभी आओगे तो हो जाएगा। तो वहां से मेरी जिम की जर्नी स्टार्ट हुई। तो क्या हुआ कि लेकिन मेरी फिजिक उनसे अच्छी थी, वो जो मेरे को मेरे दोस्त लेके गए थे, फिजिक मेरी उनसे अच्छी थी। तो एक कंपटीशन आया दिल्ली में ही, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई कंपटीशन है, तेरी बॉडी अच्छी है, खेल ले। मैंने कहा यार ये बॉडी थोड़ी है। मैंने कहा मैंने वो कंपटीशन तो देखे हैं ये, लेकिन ये बॉडी थोड़ी है। बोला नहीं 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 अच्छी है बॉडी। मैंने कहा यार मुझे तो ऐसे भी का नहीं पता इसका कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बोले नहीं नहीं हम बताएंगे। तो उन्होंने मेरे को जैसे तैसे जो भी है बताया, थोड़ा बहुत उनको भी जितना पता था उन्होंने उससे अच्छा ही बताया मुझे। तो फिर भी वो उतना नहीं था कि जितना कंपटीशन के लिए होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं पता था मैं, क्या कलर लगता है बॉडी पे जब टैनिंग करनी होती, क्या करना होता क्या नहीं करना होता है, कॉस्ट्यूम होता है बॉडी बिल्डिंग का, कॉस्ट्यूम भी नहीं था। उन्होंने मुझे एक फ्रेंची दिलवाई, फ्रेंची भी कई कलर की दिलवा दी, मतलब वो रंग बिरंगी। तो और जो कलर लगाते हैं तो पहले तो हालांकि ड्रीम टैन तो बहुत बाद में आई थी पहले कलर, लेकिन एक कलर अच्छा बना के लगाते थे, ये नहीं कि कुछ भी लगाए। लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसे ही वो पता नहीं कहाँ से बनाया क्या बनाया, बिल्कुल जैसे हनुमान जी भी हम चढ़ाते हैं ना। ओके। बिल्कुल वो वाला कलर लगा दिया मेरे को, हनुमान जी बना दिया उन्होंने। और वो चलो हनुमान जी का हो सकता है मेरे लिए आशीर्वाद हो उस टाइम वो। तो कॉम्पिटिशन गए खेलने, तो पहले ही राउंड में थैंक यू, क्योंकि वो उस लाइक थी नहीं बॉडी, पहले राउंड में ही नीचे में आ गया। तो अब जिस जिम में जाता हूँ मैं आज उसको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए, मतलब वो मेरे लिए भगवान बन के आए एक किस्म से। कई बार ना वो कहते हैं ना गुरु की लात में भी बात होती है, तो मुझे बहुत बाद में जाके समझ में आया। अब वो कभी मुझे मिलते हैं तो मैं उनको जूस वूस पिलाए बगैर कभी जाने नहीं देता, कभी अपनी मुलाकात हो जाती। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कराली बेइज्जती। अच्छा। मैंने कहा जी इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है, मतलब ठीक है खेल लिया, नंबर नहीं आया अभी और नंबर आने लायक था ही नहीं कुछ। हाँ। तो बोला नहीं नहीं बेइज्जती करा ली। हाँ। मैंने कहा जी चलो कोई नहीं। बोला और क्या, पैसे खराब किए। हाँ। मेरी फीस आ जाती। हाँ। जिम की। हाँ। मैंने कहा जी फीस तो मैंने हमेशा दी है। हाँ। बोला कोई नहीं अगले महीने की आ जाती, यहाँ खराब ही तो की। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। बोला और क्या, उतर के पहले राउंड में आ गए नीचे। बोला बेइज्जती करवा गए। तो कोई बात नहीं, बात आई गई जो भी है। तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि यार ऐसा कुछ हुआ है या ये हो गया। मैं वहां से आ गया, लेकिन मैं जैसे ही आधे रास्ते आया तो बात मुझे पिंच करना स्टार्ट हो गई। तब मुझे फील हो गया कि हाँ अब बेइज्जती हो गई। वहां कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन वहां मुझे ये फील हुआ कि हाँ अब सच में बेइज्जती हो गई। मैंने कहा, मैंने उस दिन से ही ठान ली कि अब मुझे अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो मुझे यही करना है, वो टर्निंग पॉइंट होगा, नहीं तो कुछ करना ही नहीं। देखिए शोधी की बात सुन के मुझे मेरा शेर याद आ गया जी। शेर है कि अच्छा ही किया जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया, अच्छा ही किया जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया, जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया, वरना मैं तो जन्मों तक यूं ही सोया सा चला गया। क्या बात, तो बात ये है पता नहीं कब किसकी, जैसे आप कह रहे हैं जो लात पड़ी उसने जगा दिया। इसलिए तो कहते हैं कि भाई हमारे चारों तरफ गुरु शिक्षक हमें प्रेरणा देने वाले लोग बैठे हैं, अंतर सिर्फ ये है कि हम कब जागते हैं, कौन सी लात से हम लोग जागते हैं। जी हाँ, मतलब जिससे मैं लाइन पढ़ रहा था बहुत पहले, मैं सर की बात सुन के, विजय जी की बात सुन के मुझे वो अब समझ में आ रही है। yes. कि स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। यस यस एब्सोल्यूट। इच्छा शक्ति जो है हाँ.
इनके इनसे पुराने दोस्त भी होंगे, हाँ, स्किल हाँ, तो उनके पास भी थी, ठीक है ठीक। अब मुझे नहीं पता वो इस फील्ड में है या नहीं है, हाँ, बट हाँ, आज इनकी विल थी कि जिसकी वजह से आज ये यहाँ पे। देखिए अशोक जी, मेरा मानना है कि उड़ान परों से नहीं होती, हौसलों से होती जी। तो जी, आपने वो हौसला रखा तो आज मिस्टर इंडिया के खिताब से नवाजे गए हैं। तो विजय जी आगे बताइए। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हो गई और उसके बाद मैंने द्रोणाचार्य दाजिम ज्वाइन कर लिया। और द्रोणाचार्य दाजिम अपने आप में एक ब्रांड है, जो मेरे गुरुजी हैं श्री भूपेंद्र धवन जी, वो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। अच्छा। और नरेश मान जी मेरे फर्स्ट गुरुजी रहे हैं, जिनके पास मैंने स्टार्ट किया था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो हम 3 दिन या 4 दिन तो वहाँ नरेश मान जी के पास करते थे, और हम 2 दिन गुरुजी के पास आजादपुर जाते थे जी। और जाते 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 मतलब करीबन करीबन 6 महीने का टाइम हमें हो गया था। तो 6 महीने में गुरुजी ने इतना कुछ हमें सिखा दिया था कि भी स्टेज पे करना क्या होता है, कि भी स्टेज पे अगर तुम जा रहे हो तो वहां पे करना क्या होता है। तो और बॉडी भी थोड़ी ठीक हो गई थी उन 6 महीनों में। तो मैंने जूनियर मिस्टर हरियाणा कंपटीशन था बहादुरगढ़, तो मैंने वो कंपटीशन खेला वहां पे, तो उसमें मेरी 6th प्लेस आई। अच्छा। पहले जो प्लेस होती थी 6th तक होती थी, फिर अब टॉप 5 है। अब जो देते हैं तो टॉप 5 चुनते हैं, पहले 6 चुनते थे। तो मेरे को छोटी सी एक ट्रॉफी मिली वहां पे, तो मैं बहुत खुश हुआ। तो वो बस में गया था बैठ के, अब तो गाड़ी है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, हर चीज है, उस टाइम नहीं था। ठीक है। तो बस में गया था, बस में उतर के मैं बस स्टैंड से भागा था उस ट्रॉफी को लेके, और घर तक मैं रुका नहीं उसको लेके। मुझे इतनी खुशी थी उस ट्रॉफी को, और आज भी सबसे ज्यादा संभाल के मैंने उसी ट्रॉफी को रखा हुआ है। अब आज के टाइम पे मेरे पास मिस्टर इंडिया की भी ट्रॉफी है, और क्या नाम है, मेरे पास यूनिवर्सिटी की, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की भी ट्रॉफी है, स्टेट की भी मेरे पास ट्रॉफियां हैं, लेकिन उस ट्रॉफी को मैंने आज भी सबसे ज्यादा संभाल के रखा हुआ है। लाइक फर्स्ट लव, यू ऑलवेज रिमेम्बर, वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है। मिस्टर इंडिया भी आप, आई थिंक कई बार आपने खिताब जीता। हाँ जी, मैं मिस्टर इंडिया जीता, और एक जयपुर में हीमैन ऑफ इंडिया के नाम से कॉम्पिटिशन होता था, उसमें भी सारे अच्छे एथलीट इंडिया लेवल के एथलीट ही खेलते थे। मैंने वो भी 2 बार विन किया है, और फेडरेशन कप जीता मैंने, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरा गोल्ड मेडल है, और मेरा हरियाणा स्टेट में ओवरऑल टाइटल है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मेरे 2 बार गोल्ड हैं, और मिस्टर दिल्ली में मेरे 4 बार गोल्ड है। वेरी गुड। तो विजय जी, हमें एक बात और बताइए, अगर हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे इस बात को, कि अब आप तो होल टाइम इस काम में लगे हुए हैं, या साथ कोई बिजनेस भी देखते हैं, और कोई अपने जीवन जीवन उपार्जन के लिए कोई और बिजनेस भी साथ कर रहे हैं? मेरे सप्लीमेंट स्टोर है जी, और इसके अलावा अच्छा, और बाकी मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, मेरे ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट हैं, ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ से मेरे पास आज के टाइम में गुरुजी का आशीर्वाद से स्टूडेंट ना हो, मेरे हर स्टेट में स्टूडेंट हैं, हर स्टेट में। तो ऑनलाइन भी आप सीखते हैं? हाँ, मैं ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ उनको, और वे विजिट भी करते हैं महीने में कभी, जो जैसे जितनी दूर से आता है, कोई महीने में एक बार आ जाता है, कोई 15 दिन में एक बार आ जाता है, तो आते रहते हैं, बाकी सारा उनका ऑनलाइन चलता है। तो अगर किसी ने आपको संपर्क करना हो तो आप अपना एड्रेस बताना चाहिए। मेरा एक जी अशोक विहार गली नंबर 2 में द्रोणाचार्य दाजिम के नाम से, और दूसरा फिजिक 360 डिग्री के नाम से न्यू कॉलोनी मोड़ पे है, स्टेट बैंक के साथ में। अच्छा, यही गुड़गांव? वेरी गुड, ठीक है। और एक जी हमारा द्वारका सेक्टर 8 में भी है। अच्छा। और हमारी 3 फ्रेंचाइज है, एक दारूहेड़ा में है, और एक आपका ये इधर पटौदी में है। अच्छा। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा आपने अपने बारे में बताया। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स हैं, इनके बारे में अक्सर आम लोगों में ये अफवाह रहती है कि इनको लेने से आपकी जो बॉडी है वो ठीक नहीं रहती, इसी तरीके
हाँ सही, उसके बारे में आप क्या? देखो सप्लीमेंट्स को भी लोगों को बताने का और कहने का जरिया अलग अलग है देखने का। सप्लीमेंट्स में आते हैं आपके प्रोटीन, प्रोटीन हो गया, बीसी हो गया, ईडब्ल्यू हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, ये सब को आप सप्लीमेंट बोल सकते हो। इनका किसी चीज का कोई नुकसान नहीं है, बस ओरिजिनल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कब लेना है, कब तक लेना है और कितना लेना है। आप अगर अच्छे कोच की गाइडलाइन में हो गए तो किसी भी चीज का कोई नुकसान नहीं है, नहीं तो बाकी तो आप अगर एक रोटी ज्यादा भी खाओगे तो वो भी पेट दर्द करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि दिन में कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, बॉडी के पॉइंट ऑफ लिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना श्रम करना चाहिए, उसके बारे में कोई? आप एक नॉर्मल बंदे को एक दिन में 45 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी करता हो। अगर मेरा ये मानना है, हमें रोटी खाने का हक जब ही है जब उसको हम कमा के खाएं। ठीक है, कमाने का मतलब ये नहीं कि पैसे से, उस रोटी के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो कैलोरीज हमें बर्न करनी पड़ेगी, तो हमें वो खाना खाने का हक है, नहीं तो नहीं है। और फिट रहने का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि जब भी बाथरूम में नहाने जाओ कि एक बार अपने आप को गौर से आईने में देख लो। ठीक है, परमात्मा ने जब आपको शरीर दिया है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस शरीर को चलायमान रखें, स्वस्थ रखें, संभाल के रखें। तो वो तभी संभव है अगर साथ साथ हम एक्सरसाइज करें। बिल्कुल। तो आज के नौजवानों को जो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हम YouTube के लिए भी आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अंतिम तौर पर आप उनको क्या संदेश देना चाहें। मैं आज के यूथ को यही बोलूंगा कि एक्सक्यूज छोड़ के जी एक्सरसाइज करें, जरूरी नहीं है। कई जैसे क्या होता है, देखो हर किसी की इच्छा ये होती है कि मैं ऐसा दिखूं, लेकिन उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, सोचने से नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं कि अपनी नाकामी को ना एक्सक्यूज से छिपाते हैं। हाँ। कि नहीं ऐसा है, इसकी फिजिक ऐसी है, अगर मैं ये करूंगा, मैं प्रोटीन ले लूंगा तो मैं भी कर लूंगा, मैं ये करूंगा तो मैं भी कर लूंगा। ऐसा नहीं करना, हमें जाके करना है। ये नहीं करना कि मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा तो मैं। और आज के टाइम में हर किसी को कोई ना कोई स्पोर्ट्स करना ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको ओलंपिक में जाके मेडल ही लेके आना है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ में कोई भी एक स्पोर्ट्स करना ही करना चाहिए। उससे क्या होगा, आप अपने पढ़ाई भी अच्छे से करोगे और आप फिट भी रहोगे, और आप फिट रहोगे तो हिट तो रहोगे ही रहोगे। कि मैं जो इनकी बात से समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अभी सर ऐसा मानना है कि ओरिजिनलिटी हर जगह खत्म हो गई है, तो शायद खाने में भी खत्म हो गई है। आजकल बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी हो गई है, तो मजबूरी में खाना तो देखो खाना ही पड़ेगा, खाने के बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम लोग शरीर से मेहनत करते रहते हैं, उसको सही ढंग से पचाया जा सकता है, अदरवाइज तो उसका इतना इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं होगा, बैड इफेक्ट। तो अशोक जी, जैसे आप मुझे अभी मेरे ऑफिस में बता रहे थे कि आप तो विजय जी की शरण में पहुंच गए हैं रिगार्डिंग टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, तो जी। क्या आप इनसे कोई ऐसी बात पूछना चाहेंगे जो आप जैसे जो सोचते हैं कि ट्रेनिंग लेनी है, उनके मौलिक कुछ ऐसे प्रश्न जो आप करना चाहेंगे इनसे? नहीं सर, मैं तो इनसे खुद ही बहुत प्रेरित हुआ हूँ। मैं इनसे मिला तो मैंने इनसे पूछा कि मेरी एज जो है अभी 40 प्लस हो चुकी है। हाँ। तो क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने शरीर को फिट कर सकूं? ये बहुत बड़ी बात है जो आपने पूछी है। जी हाँ। क्योंकि मेरा वजन अभी सर 100 प्लस 104 केजी है, और मेरी हाइट के हिसाब से मुझे लगता है कि मैं ओवरवेट हूँ। हाँ, थोड़ा बल्की लुक देते हैं। बल्की लुक देते हैं। और वैसे भी सर जैसे आपको पता है कि मैं म्यूजिशियन भी हूँ। हाँ, तो वो सारी चीजें मैच नहीं होती, तो मैंने सर से पूछा था कि क्या मैं अभी भी कर सकता हूँ। हाँ, स्लिम ट्रिम हो सकता हूँ। हाँ, तो सर ने जो मुझे जवाब दिया, मैं यही चाहता हूँ कि आप ये जवाब हमारे श्रोताओं को दीजिए। हाँ। कि किस एज तक मतलब आदमी कर सकता है, क्या ऐसा कोई एज डिफाइन है कि इसके बाद नहीं हो सकता या इससे पहले नहीं हो सकता, कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? फिटनेस के लिए कोई भी एज नहीं है, एज एक नंबर है। यस। मेरे पास
काफी सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे उन्होंने देखा भी होगा मेरी सोशल मीडिया वगैरह पे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 50 प्लस भी हैं और आप उनकी फिजिक देखो। तो हमें कोई चीज रोक सकती है ना तो स्वयं हम रोक सकते हैं अपने आप को, बाकी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें फिट होने से रोक ले। चाहे अगर हमारा एक पैर नहीं है ना एक हाथ नहीं है तब भी हमें कोई करने से नहीं रोक सकता, अगर हम खुद से रोकते हैं कि हम मंडे से करेंगे, हम एक तारीख से करेंगे, वो मंडे और वो एक तारीख कभी किसी की नहीं आएगी, मेहनत तो करनी पड़ती है सर। मैं वो जैसे रामदेव जी भी कहते हैं भाई करने से होता है, करने से होता सर, बिना करे जो है आप योग या ध्यान नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम ना इतना लग्जरी के तरफ चले गए हैं कि मतलब कुछ उसको दिखावा कह लो और स्टेटस सिंबल भी है। इतना लग्जरी की तरफ चले गए हैं कि अगर हमें एसी की जरूरत नहीं ना तब भी एसी चाहिए, ठीक है। अब अक्षय कुमार है या रामदेव है, क्या उनके पास पैसे की कमी है? लेकिन रामदेव एसी में नहीं सोता, ठीक है, वह चाहे तो चारों तरफ एसी लगा सकता अपने। तो अक्षय कुमार चाहे ना तो पूरे पैसे बिछा के सो सकता है लेकिन 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करता है। क्योंकि उसको पता है मैं जब तक हिट हूं तब तक हिट हूं, जिस दिन मैंने ये छोड़ दिया उस दिन घर बैठ जाऊंगा। और लोग बाग यही नहीं सोचते, वो हमेशा क्या करेंगे, पहली बात तो जैसे कोई चीज मिल रही होगी ना मतलब फ्री लगा लो फ्री टाइप, तो उसमें वो कभी सोचेंगे नहीं कि इसमें हमारा कितना फायदा कितना नुकसान है। उसको ले लो, अगर बिजली का बिल नहीं आ रहा ना तो एसी चलने दो, चाहे 2 कंबल ओढ़ रखे हैं लेकिन कोई बात नहीं चलने दो एसी, क्योंकि उसका बिल नहीं देना है। ऐसे ही कहीं शादी में गए कुछ गए या किसी की पार्टी में गए, खाओ दवा, अरे भाई शरीर तुम्हारा खराब हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है। उसने जिसने पार्टी दी है ठीक है, उसने तुम्हें बुलाया है ठीक है, लेकिन तुमने अपना देखना है। और हमेशा जब हम रात को खा के या कुछ भी सोते हैं ना तो अगले दिन अलार्म से पहले ना हमारे खुद के माइंड में अलार्म बज जाना चाहिए कि कल मैंने रात को आइसक्रीम खाई है भग ले, तो हाँ तो कुछ हो सकता है। देखो क्या होता है, कोई भी चीज खाना गलत नहीं है, मैं आज के टाइम पर सब कुछ खाता हूँ हर चीज, लेकिन मैं जंक फूड नहीं खाता बाहर का। जैसे अगर मेरा आइसक्रीम खाने का मन है तो मैं आइसक्रीम खाता हूँ, ये नहीं कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता, लेकिन ये नहीं होता कि मैंने सुबह पराठे से स्टार्ट किया और रात को आइसक्रीम पे फिनिश किया, ऐसा कभी नहीं होता है। सुबह अच्छी डाइट से स्टार्ट करता हूँ मैं, अगर रात को आइसक्रीम खानी है या दिन में कोई ऐसी चीज है कि कोई बर्फी है कुछ है कोई चीज है खानी है तो खा लो, वो आपको कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आपने पूरा दिन एक अच्छी डाइट ली है। और रात को अगर आपने आइसक्रीम खा भी ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जब आप पूरा दिन अच्छी डाइट लेके और रात को आइसक्रीम खा के सोओगे ना तो आपको सुबह वो आइसक्रीम उठाएगी भी कि चलो, जब आप पूरा दिन गंद खाते हो तो फिर आपको उठने भी नहीं देती हो, इतने आलसी हो जाती है। जो सर मैं समझ पा रहा हूँ, जो अभी इनकी कामयाबी इनकी पोजीशन इनकी इमेज और सोशल मीडिया पे और इनके जो लाइकिंग है और नंबर, शायद इनको भी नहीं याद होगा कि उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को तैयार कर दिया होगा। मैं मार्क्स फ्लेप्स के बारे में पढ़ रहा था सर, 1972 में उन्होंने तैराकी में स्विमिंग में 8 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड बनाया था सर। तो जब उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते तो ऐसे भी एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सर सवाल पूछा कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है आपके लिए और कि आपने आज एक रिकॉर्ड बनाया 8 मेडल, वो आपने 8 मेडल स्विमिंग में जीते हैं अलग अलग विधाओं में। सो उनको थोड़ी सी ये बात पूछी, उन्होंने बताया कि इन 8 गोल्ड मेडल के लिए जो आपने बोला कि ये क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस क्षण को लेने के लिए पिछले 4 साल में मैं 10,000 घंटे पानी में लिखा हूँ। क्या बात। और अगर आपका मैथमेटिक्स सही है तो 2,500 घंटे हर साल मैं पानी में रहा हूं, और अगर आपका मैथमेटिक्स और भी ज्यादा सही है 8 घंटे मैं रोज इंक्लूडिंग संडे मैं पानी में रहा हूं।
उसके बाद ये शर्म में चीज कर पाया। तो अशोक जी यहीं से हमने अपनी बात शुरू की थी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, वी सी ए मैन एंड अप्रिशिएट हिम बट परहैप्स वी डू नॉट नो हाउ मेनी इयर्स ही हैज लॉस्ट फॉर दिस अप्रिशिएशन। तो वही बात हमें विजय जी के हर एक बातचीत से रिफ्लेक्ट होती है कि हर कामयाब आदमी के पीछे उसका श्रम, उसकी मेहनत, उसका डिसिप्लिन मैटर करता है। तो विजय जी हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को वो बातें आपने अपनी शेयर की हैं, जिनको मेरा मानना है अगर हमारे श्रोता फॉलो करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है वो भी इसी कामयाबी को छू पाएंगे जिसको विजय जी ने अपने जीवन में छुआ है। इसके साथ ही पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम आपसे अलविदा।